हिमाचल बीजेपी ने नेता विपक्ष पर नशे को संरक्षण देने वाले पहले नेता होने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार ने ऊना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को सतपाल सत्ती के विरुद्ध बोलने से पहले अपने गरीबान में झांकने की नसीहत तक दे डाली। रामकुमार ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष का दर्जा मिलने से पहले सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के पास हाजिरी भरा करते थे। हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती पर टिप्पणियों के बाद प्रदेश बीजेपी खुलकर अपने अध्यक्ष के बचाव में उतर आई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामकुमार ने मुकेश अग्निहोत्री को सत्ती के विरुद्ध बोलने से पहले अपने कार्यों की समीक्षा करने और खुद में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने मुकेश को नेता विपक्ष का पद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की कृपा दृष्टि से मिलने की याद दिलवाते हुए फिर कांग्रेस नेता पर तंज कसा। रामकुमार ने नेता विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए उन्हें नशे को संरक्षण देने वाले पहले नेता होने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नशे के सौदागरों ने मुकेश अग्निहोत्री का तोलादान तक किया था। रामकुमार ने सतपाल सत्ती को ईमानदार नेता बताते हुए नेता विपक्ष पर हिमाचल की राजनीति में धन बल के प्रयोग की शुरुआत करने और चुनाव जीतने के लिए इसका प्रयोग करने के आरोप तक लगाए। सतपाल सत्ती जी के बारे में मैं आज पढ़ भी रहा था, मीडिया में देख भी रहा था। उन्होंने कहा कि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं वगैरह वगैरह कुछ कहा उन्होंने, तो मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को यही कहना चाहूँगा, प्रदेश की जनता तो सब जानती है, हरोली वाले ज़्यादा जानते हैं, कि आप हिमाचल प्रदेश के ऐसे पहले नेता है जिन्होंने चिट्टा माफिया को संरक्षण दिया और जिस व्यक्ति ने हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का धंधा शुरू किया, आपने उस व्यक्ति के घर में चुनाव के दौरान पैसों से अपना तोला करवाया था, और जब आप मंत्री बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तो उसी व्यक्ति ने पूरे प्रदेश में चिट्टे का कारोबार शुरू किया। तो मैं आप पर यह आरोप लगाता हूं कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया को संरक्षण दिया। दूसरी बात, आज राजनीति में चुनाव में जिस प्रकार से धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, आज चुनाव में जिस प्रकार से माफिया का रोल बढ़ गया है, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि मुकेश जी, इसका आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं कि ये प्रचलन किसने शुरू किया। सतपाल सत्ती जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार नेता हैं, वो स्पष्ट नेता हैं, आपका उनसे मुकाबला नहीं हो सकता, आपकी उनके तुलना नहीं हो सकती। वो चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट हथकंडे नहीं अपनाते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो आप उनके पास भी जाते थे, आप सत्ती जी के पास भी जाते थे, अब माने जयराम ठाकुर जी के पास भी जाते थे, अब माने धूमल जी के पास भी गए, सबके पास आप गए, ये सब जानते हैं। इसलिए आप जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं आपको नहीं करनी चाहिए। आपको दूसरों को शिक्षा देने का, नैतिक शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है।